ट्रैक सुना और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा. फिर आई डिसाइड कि आई वांट टू डू इन दिस, आई एम परफेक्ट फॉर दिस एंड आई नो लुसिंदा पर्सनली एज वेल. सो आई आस्क शी ऑल्सो रेडी एंड वी आर परफेक्ट लुकिंग फॉर दैट ट्रैक एंड वी डिसाइड टू यू नो डू. Arijit Singh is one of the finest artists in India. He represents almost every artist, like one of the best ones. So Arijit Singh ka maine naam suna, main ek to khush ho gaya. Aur uske baad maine suna uska track, aur the specially Reza Reza jo word hai, is I think Irani word. Yeah. So it's very touchy and I'm so falling in love with this track and I decide, you know. And we enjoying a lot in shooting. We shooting in Goa. With the big team, so enjoy a lot in the shooting time as well. And after, you know, I almost like 30-40 time I listen this track, and every time I remember this track. हमारे जो director जो है अजीज, वो actually इतने friendly है, तो मुझे पता ही नहीं चला कब shooting हो गया. Even he is helping for everything like pose, walking, dancing. He's the perfect guy to make a video. आपको अच्छा लगे आप शेयर करिए और सबको बताइए कैसा आपको फील हो रहा है. एक्चुअली दिस ट्रैक इज अ फीलिंग. आपने सुना प्रॉपर, दैट व्हाट पीपल नीड एग्जैक्टली नाउ दैट यू नो आई एम डीजे एंड आई प्ले सो मेनी ट्रैक्स एवरी डे एंड आई नो द ऑडियंस एज वेल. सो मैं जब भी कंसोल पे होता हूँ तो आई फेस सो मेनी पीपल एंड लास्ट मेरे हमेशा कभी भी ट्रैक मेरा लव सॉन्ग या स्लो सॉन्ग मेलोडी ट्रैक में प्ले करके ही खत्म करता हूँ. व्हेन एवर द पीपल गो होम ही रिमेंबर कि वो लास्ट ट्रैक क्या था. सो दिस इज माई फेवरेट ट्रैक नाउ. सो आई एम प्लेइंग एवरीवेयर दिस ट्रैक. प्रॉपर शी इज वेरी फ्रेंडली एज वेल फॉर एवरी वन लाइक आर क्रू एंड वी एंजॉइंग लॉट. शी लाइक इंडियन फूड एज वेल. शी एंड roaming around in bike in the scooter in Goa, you know the Goa test. Yeah, so we enjoy a lot. The shooting time we enjoy a lot. Even director is too cool. See, main to mujhe uska jo main mukra hai wahi mujhe sabse zyada matlab wo andar mujhe feel aaya. Wo main word jab suna to itna smooth ja raha hai. So this is the best. अच्छा इतना गाता नहीं हूँ इसलिए मैंने रोल किया है. बट नेक्स्ट टाइम मैंने प्रैक्टिस ना, बिकॉज यू नो व्हेन यू इंटरव्यू एंड यू नॉट सिंग वेल सो तो नो वन कैन आस्क यू. दैट्स व्हाई. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मेरा नाम दिलशाद अभिषेक है एंड फीडबैक तो ऊपर वाले की करम से बहुत ही अच्छे मिले हैं. जिसको भी गाना जिसने भी सुना, इनफैक्ट रहमान सर जिनका मैं असिस्टेंट हूँ जे आर रहमान, उनको भी गाना बहुत पसंद है. उनके बेटे का भी फेवरेट गाना ये रेजा रेजा है. वाह. नहीं, मैं तो पहले शुक्रगुजार हूँ दिलशाद भाई का कि इन्होंने इतना अच्छा कंपोजिशन और अरिजीत के साथ में हमें इस लायक समझा कि डॉन पे पहला लेवल रिलीज़ हो रहा है और अरिजीत के साथ हो रहा है. तो इन्होंने कहा कि महमूद भाई हमें आप पे भरोसा है और हम साथ में काम कर रहे हैं. हमारी वैसे वक्फियत काफ़ी पुरानी है, दोस्ती काफ़ी पुरानी है और काम भी हमने शोज़ वगैरह साथ में काफ़ी किए थे, लेकिन पहली बार हम एज एन म्यूज़िक डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से काम कर रहे हैं. तब मुझे खुशी है दिलशाद भाई ने और रहमान भाई ने इस गाने के लिए ट्वीट भी किया था, तो आई एम रियली थैंक्सफुल टू हिम. एक्चुअली
अर्जेंटली मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, एंड देन ही वाज सेइंग कि नहीं मैं बिजी हूँ, बट फाइनली उन्होंने 2-3 महीने में इकरारनामा कम्प्लीट करके दे दिया, 2-3 मंथ्स, क्योंकि वो इतने बिजी थे और वो आउट ऑफ टाउन भी थे, बट फाइनली उन्होंने मुझे गाना गा के भेजा। देखिए ये फिल्म सलाम मुंबई का गाना है, रेजा रेजा का मतलब है एवरी बिट एंड पार्टिकल्स, एक मतलब छोटे छोटे टुकड़े छोटे टुकड़े भी मतलब उसे मिस कर रहे हैं वो, उसमें सिचुएशन ऐसी है कि दिया मिर्जा वो एक्टर जो है रेजा गुलजार उनको बहुत चाहती हैं और वो कहीं चले जाते हैं फिल्म में, सिचुएशनल सॉन्ग है तो वो बहुत मिस करती है उनको और तब ये गाना आता है। बीइंग अ म्यूजिक डायरेक्टर, आजकल का दौर इस तरह हो गया है कि जस्ट कम आपको एक गाना बनाने के लिए कहा गया है, यू एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट फिल्म की क्या कहानी है, हाउ व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ वर्किंग एक्चुअली? ऐसा नहीं है सर, ये मिसकंसेप्शन है कि अपने स्टोरी नहीं बताते हैं और वो, हाँ ये बहुत ऐसा रेयर होता है कि अगर कोई आइटम सॉन्ग है तो वो कहीं भी फिट हो सकता है, लेकिन ऐसे गाने सर आप यू कैन नॉट इमेजिन कि आप अपने सिचुएशन नहीं पता और आपने ऐसे ले लिया, ऐसा नहीं। ये मैंने मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी वो भी कुछ 4-5 महीने पहले, मैं इसको स्टडी की उसके बाद में आई वर्क ऑन इट। और दूसरा दिलशाद भाई के बारे में बताना चाहूँगा, दिलशाद भाई वैसे इन्होंने कहा कि मैं AR रहमान के साथ में म्यूज़िकल घराने से है, शब्बीर कुमार के साहबजादे है, शब्बीर भाई इतने लीजेंड सिंगर थे हमारी इंडस्ट्री के, अभी भी है, अभी भी माशाल्लाह हमारी फिल्में भी गाए, तो उनके साहबजादे तो पूरा म्यूज़िक से इनका वाबस्ता रहा है, तो उनका कभी भी ऐसा नहीं है कि म्यूज़िकल आपने बोला और उन्होंने दे दिया, ये पूरा स्टडी करते हैं डेप्थ में जाके, स्क्रिप्ट में ले जाके और फिर गाना बनाते हैं। तो ही वॉज वेरी हैप्पी और उनकी बहुत दुआएं मुझे मिली हैं और मैं खुश नसीब हूँ कि ये फिल्म में सलाम मुंबई में उन्होंने गाया भी है, तो वन ऑफ द टाइटल सॉन्ग ऑफ दिस फिल्म सलाम मुंबई इज संग बाय माय फादर शब्बीर कुमार एंड नकाश अजीज। बस मुझे उन्होंने यही कहा कि बेटा डाउन टू अर्थ रहना और वक्त के साथ चलना, वाह बस ये उन्होंने मुझे ये सिर्फ दो ऐसी इतनी इम्पोर्टेंट अहम बात उन्होंने कही है, और वक्त के साथ ही चलना चाहिए, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए, आजकल का साउंड आप देख ही रहे कितना इम्प्रोवाइज दिन पर दिन होता जा रहा है, बट मेलोडी मत खोइए, मेलोडी अपनी जगह है। Dawn Cinema is a OTT platform and we just introduced OMT first time in India, online movie theater. So we are releasing Salaam Mumbai on OMT. So we are connected to each other for releasing the movie on OMT. Second, हमारे पास इतने खूबसूरत गीत थे इन्होंने जो AR रहमान के साथ में इतना जो वक्त दिया था, तो पूरा निचोड़ कर उन्होंने जब इनके पास ये फिल्म आई तो वो पूरा एक्सपीरियंस इन्होंने निचोड़ के इस फिल्म में लगा दिया था। तो गाने में आप अगर म्यूजिकल देखेंगे तो इसमें अरिजीत है, सोनू निगम का एक सॉन्ग है, फिर हृदय घटानी है, नकाश अजीज है, तो इन्होंने सारे ऐसे सिंगर चुन के लाए थे, फिर हमारा दिल किया कि नहीं इस गाने से हम अपना म्यूजिक लेवल भी लेकर आए। ये रिक्रिएट किए हैं क्योंकि हमने सलाम मुंबई ईरान में पहले रिलीज कर चुके थे, हम ईरान में इसका 36 करोड़ का बिजनेस था और सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पे ब्रेक किए थे, तो हम जब हिंदुस्तान में आना चाह रहे थे तो इसको हम अपने तरीके से रिक्रिएट करके लेकर आए गाने को, ताकि इंडिया की पब्लिसिटी और इंडिया की मार्केटिंग थोड़ी सी अलग होती है, तो हमने ईरान को सक्सेसफुली कर लिया था, अब हम इस गाने के जरिए पब्लिसिटी कर रहे हैं हिंदुस्तान में। थैंक यू। देखिए अब
अभी कुछ और कहने की बाकी रही नहीं गया, बिकॉज अरिजीत सिंह इज लाइक ही इज लेजेंडरी सिंगर, और उनकी आवाज जिस ट्रैक में आ जाए वो गाना ही का मतलब लेवल एक अलग ही हो जाता है. सो वी कांट इवन स्पीचलेस है, मतलब गाने को लेकर स्पीचलेस. एग्जैक्टली, हिज वॉइस इज लाइक ऑन अनदर लेवल. देखिए आपने अगर बात टिकटॉक की है तो देखो हम तो मतलब काम सुथरा कर चुके हैं अपनी तरफ से इंडियाज गॉट टैलेंट पर, और गाने में आप जो केमिस्ट्री देख रहे हैं लुसिंदा की, लाइक शी इज ऑन अनदर लेवल, और वो फायर लगी हुई है गाने में. तो लेकिन अगर हम वो टिकटॉक में करेंगे तो वीडियो चली जाएगी अंडर रिव्यू. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रीति को यहाँ तक साड़ी पहननी पड़ेगी और मुझे यहाँ तक शेरवानी पहननी पड़ेगी. तो प्रीति को तो मैं वही बोलूंगी यहाँ पर सलवार सूट की वीडियो अंडर रिव्यू हो जाती है गाइस. मैं बहुत परेशान हूँ. ये आप जो देख रहे हैं ना यहाँ तक दीदी बता दर्द टिकटॉक वाली प्रीति असली प्रीति. तो मतलब वही मेरे कहने का मतलब था कि मुझे शेरवानी पहननी पड़ेगी और प्रीति को साड़ी, तब जाके हम टिकटॉक बना पाएंगे इस सॉन्ग पर, रेजा रेजा पर. बट ऑफ कोर्स वी कैन मेक लॉट्स ऑफ टिकटॉक्स ऑन दिस ट्रैक बिकॉज़ वी आर फेमस फॉर आवर फैबुलस केमिस्ट्री एज वी ऑल नो. सो डांसिंग कॉन्सेप्ट एवरीथिंग. अच्छा इसके अलावा बिग बॉस मतलब काफी ट्रेंडिंग क्या कह रहे हैं ट्रोल हो रहा है इस बार का बिग बॉस. बीइंग अ राखी के इतने अच्छे फैंस हैं और काफी राखी को भी ट्रोल कर रहे हैं बेचारी. अभी राखी जी भी आ ही रही हैं रास्ते में. She's on the way right now. वहीं से आ रहे हैं. वहीं से आ रहे हैं अभी. क्या कहना चाहेंगे मतलब शहनाज को बार बार राखी आंटी राखी. मेरे को तो ऐसा लगता है कि ना राखी के बिना ना कोई भी कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती है. तो आई बिग बॉस को भी जरूरत पड़ रही है राखी जी की, तभी वो मतलब किसी को राखी आंटी बोल रहे हैं, किसी को पंजाब की राखी बोल रहे हैं. अरे भाई बुरा क्या है, राखी इज लेजेंडरी. सामने पूछो तो किसी की हिम्मत नहीं राखी राखी बोल के एक सरनेम लगाने में. एक्चुअली सीरियसली जिसको बोलते हैं ना हो रही है. और पर वो लोग देखो सलमान सर ने पूछा कि राखी कौन राखी कौन, तो इतने देर बाद बहुत हिम्मत जुटा के घर वालों ने बोला सावन. मतलब बाबू जी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं राखी. अरे अब मैंने वैसे ही बोला, मैंने वैसे ही बोला. अरे कैसे बोला, आपको कैसे नहीं पता राखी जी कौन है? आपको राखी जी नहीं पता भाऊ की कौन है राखी जी? तो मतलब फिटे हम राखी के साथ एक बार माइक रखो तो आप अभी भाव तो सब समझ आ जाएगा. मतलब आई डोंट थिंक सो कि वी कैन कंपेयर, मतलब राखी जी को हम किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते. और अगर कोई ये बोले कि वो राखी को नहीं जानते तो इट्स उसका ये बैड टेक है. वो शायद दुनिया में कुछ नहीं, आई थिंक वो दुनिया में कुछ जानते ही नहीं है. और इट्स अ गुड थिंग. आई डोंट थिंक सो कि शहनाज की एक अलग ही पर्सनैलिटी निकल के आई है बिग बॉस में, और अगर उनको राखी जी से कंपेयर किया जा रहा है तो इट्स अ गुड थिंग. एग्जैक्टली, शी इज ऑल्सो टेकिंग अ कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि सबको पता ना राखी का नाम आया तो अगले दिन आप स्टार बन जाओगे. एग्जैक्टली, मतलब अगर भाऊ शहनाज को राखी आंटी बोल रहे हैं तो उन्हें नहीं पता क्या राखी कौन है? तो वो सलमान सर के सामने उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मैंने आंटी वैसे ही बोल दिया? कौन राखी? मतलब करण अर्जुन वाली राखी का नाम ले रहे थे क्या वो? Paras and Siddharth, they both are very strong contenders of Big Boss. So, और Siddharth का भी game level ही एक अलग level पे है. He is very strong in और Paras भी कम नहीं है because he is like heart of Big Boss this time. Actually ना देखो strong game एक देखा जाए तो Siddharth शुक्ला बहुत अच्छा game खेल रहे हैं, और जो wild card में आए उसमें शेफाली ने भैया हिला दिया है घर को. तो शेफाली ने कहा कि woman power क्या होता है? Player तो वही है, भले वो negative हो या positive हो, player काटा तो लगाया है शेफाली ने. काटा लगा गर्ल ने, काटे तो लगाए हैं. बट हाँ, अगर आप सोच रही हैं कि आप सिद्धार्थ और पारस को ओवरकम कर लेंगे तो दिस इज रॉन्ग. यार पारस ना बहुत अच्छा, हम पारस को पर्सनली जानते हैं, वो ना बहुत पारस भी लव यू. वो दिल से सोचने वाले.
वाला इंसान है, मेरे को तो लग नहीं रहा कि वो बाहर आके ना गेम के बारे में सोचेगा, पर एक एक की धज्जिया जरूर उड़ाएगा जो जो उसने देखा सीक्रेट रूम में। भारत ने जो पोल खोली है सबकी एक एक करके, स्पेशली अरहान की जो पोल खोली है, जो उन्होंने बोले रश्मि के बारे में कि रश्मि रोड पर थी और मैंने उसको सहारा दिया, अबे तुझे तो खुद सहारे की जरूरत, तू क्या रश्मि को सहारा देगा। एंड मैं रश्मि, आई एम सो थैंकफुल टू रश्मि कि आपने अरहान को इतना सहारा दिया और यहाँ तक लेके आए, अदरवाइज हु नोज अरहान बिग बॉस से पहले, नोबडी नोज। थैंक्स टू आपको रश्मि, आपने रस्ते से नहीं उठाया रश्मि जी को, रश्मि जी ने आपको उठाया और बिग बॉस तक लेके आई है, सो यू शुड बी थैंकफुल टू रश्मि। उनकी पोले अभी और खुलेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज एग्जैक्टली क्योंकि देखो खबरें तो फैलती ही हैं, बाकी जब एपिसोड आ जाएगा तो सबको पता चलेगा एक्चुअल में हुआ क्या, हुआ क्या। या Thank you so much. And keep giving your love to Reza. Reza song. It's such a beautiful track. And don't forget me. And all the people. गाने का मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा क्योंकि पार्टी में काफ़ी लेट आया, तो ट्रेलर से काफ़ी अच्छा लगा और अच्छा सॉन्ग रहा है। तुमसे अरिजीत सिंह के सॉन्ग का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज उनके सॉन्ग काफ़ी सूफियाना होते, तो 1000% ये सॉन्ग फिर हिट ही जाना है उनके सॉन्ग। ऐसे कि अरिजीत सिंह खुद एक मतलब बोलते हैं गुडविल क्रिएट किए और उनका नाम जुड़ते से ही लाइक लोग उनका सॉन्ग देखते हैं, क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग एज अ लाइक आर्टिस्ट उनका नेक्स्ट लेवल पे है, तो अगर अरिजीत सिंह खुद जुड़े हुए तो इस पर हम लोग कुछ बोलते ना पॉइंट नहीं कर सकते कि ये कहाँ जाएगा, सबको पता है सॉन्ग में लेजेंड है। ट्रेलर ही हम लोग देखे, बट जितना देखे उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, बट जैसे कि मेरे को सॉन्ग ज़्यादा पसंद आया बट उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। जैसे कि ये एक डॉन सिनेमा में डॉन सिनेमा के चैनल पे लॉन्च हुआ है, तो मुझे 100% श्योर है कि जिस तरीके का लोग डॉन सिनेमा का क्रेज बढ़ रहा है, तो 100% श्योर है कि ये बहुत अच्छा एंगेजमेंट, बहुत अच्छा व्यू और बहुत अच्छा उसको एक रीच मिलेगा, 100% श्योरिटी के साथ हम बोल सकते हैं। एंड मेरा हमारा पूरा विशेष होगा कि ये बहुत अच्छे लेवल पे जाए और लोग इसको बहुत पसंद करें। टिकटॉक पे मोस्टली चांसेस है वायरल होने का, क्योंकि इसमें जो कुछ वर्ड्स है जो टिकटॉक पे बहुत कैची है। टॉकर्स हाउस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मेन टॉकर्स हाउस का सीन क्या है, जिसमें लोग आएंगे उनकी रियलिटी पता चलेगी, तो उसमें बहुत खुश हूँ कि जो फेक बनते हैं लोग यहाँ पे उनका पता चलेगा कौन कितने पानी में, तो उसके लिए काफ़ी खुश हूँ। बिग बॉस से कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि बिग बॉस में वो लोग जाते हैं जिसको लाइक पुश किया गया है, यहाँ पे वो लोग हैं जो अपने आप को बनाए हैं और अपना खुद एक एक लाइक बोलते ना प्लेटफॉर्म क्रिएट किए, तो लाइक पब्लिक एक्सेप्टेंस जो होता है ना, पब्लिक डिमांड, तो वो लोग हैं वहाँ पे जहाँ पे पब्लिक डिमांड है, और जहाँ पे पब्लिक का डिमांड होता है वो जगह पे तो रीच आना ही है। हाँ कंपैरिजन है, बट इतना भरोसा है कि ये नया प्लेटफॉर्म होने के बावजूद इसका लाइक लोग आजकल लोग टीवी से ज़्यादा डिजिटलाइज ज़्यादा है, सोशल मीडिया का फेज आप लोगों को पता है कि इस लेवल पे जा चुका है कि जहाँ पे एक लाइक एक नोन अगर नोन फेस जैसे कि बॉलीवुड का कोई स्टार नहीं है और एक टीवी स्टार और एक सोशल मीडिया स्टार में तो कंपैरिजन किया जा रहा है, मतलब वही बड़ी बात है, तो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है डॉन सिनेमा का, कि अभी तक जितने भी शोज आए सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी होने वाली सिर्फ डॉन सिनेमा में, बिकॉज सब एक दूसरे के राइवल से इधर और सब एक दूसरे के राज खोलने वाले, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बिग बॉस मेरे ख्याल से बिग बॉस से भी बहुत ऊपर आने वाला है शो। कितनी तैयारी है आपकी शो की? तैयारी वो भी कुछ तो थोड़ा बस ध्यान में आपने प्लानिंग की कि भाई वहाँ जाऊँगा? नहीं, प्लानिंग वो करते हैं जिनको अपना गुडविल क्रिएट करना होता है, जो हाँ मैं रियल में ऐसा हूँ और डिजिटल में ऐसा हूँ, तो फेक बनना है, हम वैसे जैसे है वैसे हमको पता है कि पब्लिक हमको वैसे ही पसंद की है, तो हम उस वे में और अच्छे से पसंद आएंगे हमको पता है, इसीलिए ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे, जैसा होगा वैसा रिएक्ट करेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग से ही अरिजीत सिंह की फैन हूँ मैं, ठीक है, उनका हर एक गाने का एक मतलब निकलता है, तो नो डाउट ऑफकोर्स बहुत अच्छा है हर गाने की तरह। मेरे
जितने भी प्ले लिस्ट में गाने सब उनके ही है, मैं उन्हीं के गाने सुनता हूँ मोस्टली। सेफ करूंगा यार। ओके टिकटॉक की बात की जाए तो काफी मतलब टिकटॉक पे एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, प्लस अभी टॉपर हाउस भी आ रहा है, कितनी एक्साइटमेंट है और क्या कुछ प्रिपरेशन तो कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं दिमाग में है वो सारे प्रिपरेशन हुए, लेकिन अभी वो तो अंदर ही देखने पता चलेगा। ऑगस्ट हाउस और टिकटॉक तो चल गया, जैसे हम हैं टिकटॉक पे भी और लोग जो हमें देखते हैं तो हम वैसे ही रहेंगे वहाँ पर। सारे लोग हैं फर्स्ट टाइम बिग बॉस में, काफी कम लोग हैं हाँ। लेकिन टॉकर्स हाउस में काफी लोग हैं, तो ऑब्वियस झगड़े की बात तो होगी 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 और गेम कुछ बहस गेम्स के ऊपर ही होगा, लाइक पर्सनली तो कुछ होगा नहीं किसी से क्योंकि हम सबसे मिले हैं अभी। और उसको कंप्लीट करने में पूरी जोर तो लगेगी तो उसमें तो देखा जाएगा कैसे चलेगा। और थोड़ा अलग इस वे में है कि उधर सेलिब्रिटीज को लिया जाता है नोन फेसेस को, और यहाँ पर टॉकर जितने भी टिकटॉक वाले हैं जो वो फेमस है उनको लिया जाता है। आएंगे इसके बाद जल्द आने वाले इंशाल्लाह, टॉकर हाउस के बाद हम जरूर रिलीज करेंगे सॉन्ग। थैंक यू सो मच। यस आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट, अरिजीत सिंह ने गाया है, रोहित एंड जो लुसिंदा है इसमें वो फीचर कर रहे हैं, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसी वीडियो होगी, कैसा सॉन्ग होगा। या दैट्स इट, the launch of my film's trailer also, Jai Mammidi. The producer is Lav Ranjan, and so I'm coming straight from there, so I don't have much idea about it, but my friend told me that there's a new song coming, Reza Reza, so I was it was like rolling in my mind, Reza Reza, okay, I want to hear the song, what it is all about. So yeah, excited to see that. Thank you. Any new things is coming your Yeah, my three films are coming. I did my debut with Sarabji, with Ishwara Rai. I played Nipuda's daughter. That was my first Hindi film. And my second film is Jai Mammidi, jiska aaj trailer launch hua hai. Iske alawa maine do Punjabi filmein ki hain. Usme se ek Punjabi film abhi March mein release hone wali hai, 13 March ko. Aur ek Telugu film meri isi mahine release hone wali hai. Aur iske alawa maine ek Hollywood film bhi ki hai, jo ki 2018 mein aayi thi, with Rajkumar Rao and Nargis Patel. So, 6 films I have done till now. So, more into films and all. बट अरिजीत सिंह को कौन नहीं जानते हैं, उनको सब जानते हैं, सब उनके फैन हैं, सो यार रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सॉन्ग। थैंक यू। सबको पसंद आएगा, राइट। सो अरिजीत सिंह ने गाया रीजा रीजा गाना, इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम सलाम बॉम्बे एंड इट्स रियली गुड, एंड आई थिंक मेरे ब्रदर ने डायरेक्ट किया अजीज जी, सो आई एम हियर फॉर दैट, एंड बहुत ही अच्छा गाना है, अरिजीत सिंह की आवाज़ है, बहुत ही अच्छी सुकून भरी आवाज़ है अरिजीत की, तो हम सब सुनने आए हैं उस गाने को, और लवली क्लब, सो लेट्स हैव लवली। डॉन सिनेमा लवली प्लेटफॉर्म, इट्स कमिंग विद वेब सीरीज, इट्स कमिंग विद शोज, इट्स कमिंग विद सॉन्ग्स, सो आई थिंक एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिल रहा है, सो अगर एक ही दुकान में सब कुछ मिल रहा है तो क्यों ना आप वही दुकान में जाना चाहेंगे, सो डॉन सिनेमा इट इज। See, you can watch me in Coolie number 1, I'm the villain, and that's it. I banged it, so that's Coolie number 1 in May 2020. इसके अलावा काफी अच्छी फीचर कास्ट इसमें की गई है, लाइक काफी ट्रेंड एंड ट्रेंडिंग है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी है आपको इस गाने? रोहित
मेरा फ्रेंड है रोहित इज अमेजिंग एज अ डीजे एंड एज अ एक्टर टू सो ही इज गुड लुसियांडा डिड हर फर्स्ट शूट विद मी पहला शूट उसने मेरे साथ किया था सो शी इज गॉर्जियस आई थिंक शी इज अमेजिंग सो कैमरे के सामने कैसी होगी वो आप सब देख सकते हैं डॉन सिनेमा डाउनलोड कीजिए एंड एंजॉय द फन सॉरी थोड़ा लाइफ में बिजी हूँ तो बिग बॉस फॉलो नहीं करता